हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो इस स्टॉक में एक अच्छा गिरावट हम लोगों को ऊपर के लेवल से देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट के ऊपर भी स्टॉक जो है आपको काफ़ी अच्छे लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और एक अच्छा ब्रेकडाउन हम लोगों को इस स्टॉक में दिख रहा है। कंसोलिडेशन लेवल का यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको 6 to 7 months से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, फाइनली डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हो चुका है। और साथ ही साथ डेली चार्ट पे भी यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है स्टॉक में एक अच्छा फॉल हुआ, उसके बाद आपको कंसोलिडेट किया, फाइनली जो है स्टॉक यहाँ पे आपको 1150 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 1147 के लेवल के नीचे। इस स्टॉक को हम लोग 1147 के लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड में जो हम लोगों का एसएल होगा वो 1154 का होगा, 7 पॉइंट का यहाँ पे हम लोगों का एसएल होने वाला है। 1140 का पहला टारगेट रहेगा और 1133 का दूसरा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल सेक्टर में कंटिन्यूसली हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक ने एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है डेली चार्ट पे, और क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है जो स्टॉक ने आपको एक अच्छे लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग बेसिस पे जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो है स्टॉक कंटिन्यूसली प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे क्लोज दिया है, और फ्राइडे के सेशन में ओपन इक्वल टू हाई था, और उसी लेवल से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं इस स्टॉक को हम लोग कब शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 655.5 के नीचे। क्लियरली यहाँ पे हम लोग 655.5 के नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। 662.5 का हम लोगों का एसएल रहेगा, तो 7 पॉइंट का एसएल रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 648 का और दूसरा टारगेट रहेगा 641 का। थर्ड स्टॉक की अगर बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो है वापस से हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अडानी पोर्ट्स के ऊपर अगर बात करेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था 600 के लेवल के ऊपर, कंटिन्यूसली 700 के लेवल के ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से स्टॉक जरूर ऊपर जाने की कोशिश किया, जा नहीं पाया, और नीचे की साइड में जो है यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में यहाँ पे आपको एम पैटर्न का फॉर्मेशन मिल रहा है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हम लोगों को रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इसका मतलब है जो स्टॉक नीचे की साइड में जो है आपको 5-6% और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, और एक गैप भी पेंडिंग है जहाँ पे कि स्टॉक इसको फिल करने के लिए जा सकता है। अगर इस स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट के सेशन में कंटिन्यूसली गिरावट हम लोगों को देखने को मिला, इसी वजह से जो है हम लोग एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 635 के लेवल के नीचे। इन केस अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है 645-646 के लेवल पे भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, नहीं तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है उसके बाद अगर 635 के लेवल के नीचे निकलता है तो फिर इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड में जो है यहाँ पे आपको एसएल 645 का रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी वजह से जो है यहाँ पे एसएल आपको बड़ा रखना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने पोजिशन साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। 645 का आपका एसएल रहेगा, नीचे 625 और 615 दो टारगेट रहेंगे। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व स्टॉक में भी कंटिन्यूसली हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे स्टॉक में पुल बैक हुआ
स्लो एंड स्टडी स्टॉक ने इस लेवल पे क्लोजिंग किया, वापस से यहाँ पे बाउंस बैक हुआ और यहाँ पे अगेन जो है इस प्रीवियस सभी लोज के नीचे जो है स्टॉक ने आपको क्लोजिंग दे दिया है। तो एक अच्छा बेरिशनेस इस स्टॉक में भी दिख रहा है। और वीकली बेसिस पे भी बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी स्टॉक ने 1250 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है, जो कि आपको काफी टाइम के बाद ये क्लोजिंग हुआ है। जुलाई 2022 में स्टॉक इस लेवल के ऊपर गया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली हम लोगों को स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में और ज्यादा गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से हम लोग इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे, तो 1236.5 के नीचे इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट करेंगे। और ऊपर की साइड में जो हम लोगों का यहाँ पे आपको SL होने वाला है 1250 का होने वाला है। डाउन साइड में जो है हम लोगों का जो पहला टारगेट रहेगा 1222 का रहेगा, और दूसरा टारगेट जो है यहाँ पे हम लोगों का रहेगा वो 1208 का रहेगा। लास्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में भी कंटिन्यूसली हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक 2200 के लेवल के ऊपर जो है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ है। वीकली बेसिस पे भी इस स्टॉक में हम लोगों को ऊपर के लेवल से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और कंजुकेटिवली सेकेंड वीक जो है स्टॉक 2250 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक में जो है एक फर्दर गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा भी बेरिशनेस देखने को मिला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अच्छा गिरावट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 2198 के लेवल के नीचे। 2198 के लेवल के नीचे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। 2210 का हम लोगों का SL रहेगा, 12 पॉइंट का SL रहेगा। 2186 का पहला टारगेट रहेगा और 2174 का दूसरा टारगेट रहेगा। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।